धान में लगने वाले इन कीटों का प्रबंधन अगर सही तरीके से और सही समय पर ना किया जाए तो आपकी पैदावार को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। अब जहां तक बात आती है धान में लगने वाले रोगों की, तो आपको बता दूं कि धान में आमतौर पर दो प्रकार की बीमारियां लगती है, पहला जीवाणु जनित और दूसरा विषाणु जनित। तो चलिए अब जान लेते हैं धान में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के विषय में। किसान भाइयों, जिस तरह से किसी भी रोग से बचाव के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार धान की फसल के लिए बिचड़ा तैयार करने से पहले बीजोपचार करना अति आवश्यक होता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बीजोपचार कैसे किया जाए। सबसे पहले बीज को पॉलिथीन शीट या साफ सुथरे फर्श पर फैला दें। उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव करें। इस दौरान फफूंदनाशक की उचित मात्रा फैले हुए बीज पर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गिरा दें। फिर हाथों से बीज में दवा को अच्छी तरह से मिला दें। दवा मिलाने के बाद बीज को फिर से फैलाकर 2 से 4 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये बीज पूरी तरह से उपचारित है। इस बीज को आप बिचड़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उपचारित बीज के बिचड़ा लगाने के बावजूद धान की फसल में रोगों का कोई प्रकोप दिख रहा हो, तो आप सबसे पहले रोग का सही पहचान करें, उसके बाद ही उपयुक्त फफूंदनाशक या जीवाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए।